में खस्ताहाल सड़क की वजह से परेशान मितानिन संघ ने प्रशासन को ज्ञापन देकर जल्द ही सड़क न बनने पर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। दरअसल शहर के गुरघासी दास चौक से चिचपोल जाने वाली सड़क इतनी जर्जर है कि लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। दौलतराम महाविद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज प्रसव कराने वाले लोगों को जर्जर सड़क से जाना पड़ता है। मितानिन संघ ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, 7 दिन के भीतर सड़क न बनने पर उग्र आंदोलन करने की धमकी दी है। जल्दी से बना दे तो पढ़ने के बच्चे जाते हैं ना, वो बहुत परेशानी से जाते हैं, पूरा टीचर में तना कर स्कूल आते हैं। हॉस्पिटल है वहाँ का ज्ञापन देने आए, वहाँ का रोड इतना दुरुस्त हो चुका है, गाड़ी तो गाड़ी पैदल चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। हमारे भी चाहेंगे जल्दी के लिए कि आ रही तो रास्ते पे भी बड़ी हो जा रहा है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं वहाँ से गठजोड़ पर देखे आ रहे हैं, तो आए दिन दुर्घटना भी बढ़ी है। हमारे साथ केशव साहू जुड़ चुके हैं कसडोल से। केशव, वास्तव में सड़क बहुत खराब है और मितानिन संघ ने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर सड़क दुरुस्त नहीं की गई तो वो आंदोलन करेंगे। क्या लगता है कि प्रशासन को ये दिया गया ज्ञापन वास्तव में वो गंभीरता से लेंगे या फिर ये आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे? केशव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं बता दूं, ज्ञापन मितानिन समूह के जिला अध्यक्ष सती वर्मा के द्वारा अपनी पूरे टीम के साथ दी गई है और प्रशासन इसे गंभीरता से लेने के लिए सोच रही है। इससे पहले एक बार रोड का टेंडर भी हो चुका था लेकिन किस कारणवश से रोड का टेंडर निरस्त हो गया। तो टेंडर निरस्त हो गया तो क्या अब जिस तरह हम मितानिन ग्रुप की बात करें, उस संघ की बात करें, तो क्या संघ के लेटर के बाद प्रशासन सत्ते में आया है? क्या उन्होंने सड़क बनाने की कोई आश्वासन दिया है या फिर जो संघ है वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है लेकिन प्रशासन इस पर गंभीरता से ले रही है और वही समय रोड बना दिया जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केशव इस जानकारी को साझा करने के लिए। बात करते धरती